राज्य सरकार ने आज विधानसभा में अपना 14वां आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की वित्त व्यवस्था और विकास आधारभूत संरचना के विकास सहित तमाम क्षेत्रों के विकास का आंकड़ा भी दिया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में अर्थव्यवस्था के विकास की दर साल 2018-19 में स्थिर मूल्य पर 10.53 और वही वर्तमान मूल्य पर 15.01% दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और 2018-19 में बिहार का सफल राज्य घरेलू 5,57,490 करोड़ रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल GSTP ये 18-19 में और करंट प्राइस पर 47,541 रुपये है। और इस ग्रोथ में जिन क्षेत्रों का ज़्यादा योगदान रहा है उसमें एयर ट्रांसपोर्ट हवाई यात्रा का योगदान करीब 36% है। उसी पर ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज 17.6%, रोड ट्रांसपोर्ट 14%। उसी प्रकार मित्रों, बिहार फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 में हम लोगों ने FRBM एक्ट बिहार में लागू किया। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, मानक हैं, उन अधिकांश मानकों पर हम लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जो फिस्कल राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, वो 3% के कम रखा जाना होता है। और आप देखेंगे तो 18-19 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.68% है, यानी 3% के नीचे है। उसी प्रकार रेवेन्यू सरप्लस, राजस्व आधिक्य, बिहार देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। और हमारा GSDP का 1.34% हम रेवेन्यू सरप्लस है। और जो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट की जो लायबिलिटी है, जो बकाया ऋण है, वो GSDP का 32.34% है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, अब तो सरकार को गदगद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आए हैं तो उसमें पता लगता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ चुकी है। देखिए, जो बजट जो आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 का आज विधानसभा में रखा गया, उसके बाद जो वित्त मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है बिहार के सुशील मोदी ने कुछ ऐसा ही बताया, कुछ ऐसे ही आंकड़े दिए जो काफी हैप्पी फिगर्स है, डेटा है। और उसमें उन्होंने कई चीजें ऐसी बताई है जो राष्ट्रीय एवरेज से ज्यादा है। उन्होंने जो विकास दर बताई है बिहार की, वो इस वक्त जो स्थिर मूल्य पर है वो 10.53 है और जो करंट वैल्यू पे है वो 15.01 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। और पिछले 3 साल का एवरेज जो उन्होंने दिया है वो भी डबल डिजिट यानी 10% से ऊपर है, जो कि एक बहुत ही कहा जाए कि अपेक्षित विकास, अपेक्षा से अधिक विकास दर दिख रहा है। उसके बाद उन्हें पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हुई है और पर कैपिटा इनकम बिहार की 2018-19 में बता रहे हैं कि 47,641 रुपए पर कैपिटा यानी पर व्यक्ति आए हैं, जो स्थिर मूल्य पर है और स्थिर मूल्य पर 33,629 है, जो काफी ज्यादा है पिछले वर्षों के अपेक्षा। तो जिस तरह का बजट पेश किया है और जो आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 2-3 सालों का आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके अनुसार बिहार में जो विकास है वो डबल डिजिट में हुआ है, जो कि एक बड़ी खबर है। बिल्कुल शशांक, एक तरफ देखा जा रहा है कि जहां सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर शून्य के सिवा कुछ नहीं नजर आ रही हैं, वहां आंकड़े कह रहे हैं कि विकास हुआ है, वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में, कैसे माना जाए? ये जो
ये जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है ये सरकार की एजेंसी नहीं करती है, बल्कि एक स्वतंत्र एजेंसी है जो बिहार में आदरी है, वो एक इकोनॉमिक सर्वे करती है, उसके आधार पर सरकार ये आंकड़े पेश करती है। तो उस वो जो आंकड़े दिख रहे हैं वो काफी लुभावने हैं, काफी अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं। और जितने सेक्टर्स है गवर्नमेंट के, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे जल जीवन हरियाली का क्षेत्र हो, या फिर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं बिहार के या सर्विस सेक्टर्स हैं, उनमें ग्रोथ दिख रहा है। रही बात जमीनी हकीकत की, तो बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी काम चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो आम लोगों तक पहुंच है वो कुछ चीजों में कमी है, तो सरकार को इसको दूर करना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं से विकास को परिलक्षित कर रहे हैं। तो शशांक, क्या विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया आई इन आंकड़ों को लेकर? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद विपक्ष ने कहा है कि सारा खेल आंकड़ों का है, चूंकि विधानसभा का सत्र आज 2 बजे के बाद स्थगित हुआ, तो उसके बाद कहा विपक्ष ने कहा कि सारा खेल आंकड़ों का खेल है, कहीं जमीन में विकास नहीं है, विकास बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बेरोजगारी है, अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, और उसके अलावा जो डेवलपमेंट सेक्टर है वहाँ काफी भ्रष्टाचार है विकास के क्षेत्रों में। तो विपक्ष ने पूरी तरह से आर्थिक सर्वेक्षण को नकारा है और कहा है कि ये पूरी तरह से आई वाश है। अब शशांक, ऐसे में साल के अंत में चुनाव होने हैं, आंकड़े भी सरकार के फेवर में हैं, तब तो सरकार को खुश हो जाना चाहिए, कितने फायदेमंद होंगे ये चुनाव के लिए? देखिए, जो आंकड़े हैं वो काफी उत्साहित करने वाले हैं सरकार को, क्योंकि ये पिछले 18-19 और 19-20 के आंकड़े हैं, आर्थिक सर्वेक्षण है, ये काफी लोगों को सरकार की तरफ से उत्साहित कर रहा है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि बिहार में जो चुनावी मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं आंकड़ों पे नहीं होते हैं, समीकरण पर होते हैं, जाति समीकरण पर होते हैं, सामाजिक समीकरण पर होते हैं, तो बिहार में बहुत ज्यादा इनसे असर नहीं पड़ता चुनाव में, देखना है कि इनका कितना असर पड़ता है आने वाले चुनाव। लेकिन शशांक, कहीं ना कहीं पार्टी इस मुद्दे को भी रखेगी चुनाव में कि देखिए अगर हमारे कार्यकाल हमारी सरकार रही तो कितनी तेजी के साथ वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में भी और विकास में भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आर्थिक सर्वेक्षण के मुद्दे कहीं ना कहीं हर सेक्टर्स के मुद्दे अलग अलग उठाए जाएंगे चुनावी भाषणों में, और चुनावी अपनी जो दिखाया जाएगा कि हमारी उपलब्धि क्या रही, उनमें इन आंकड़ों का बहुत प्रयोग किया जाएगा, जिसमें कई तरह की चीजें जो बिहार में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको भी दिखाया जा रहा है, जो गैस पाइपलाइन बिहार में अर्बन एरिया में बिछाई जा रही उसका भी जिक्र है, ई गवर्नेंस का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार इसको चुनाव में उपयोग करेगी। अगर अगर देखा जाए शशांक, जिस तरह से पूरी पार्टी इस बात पर जोर देती है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, वो सुशासन बाबू है, तो कहीं ना कहीं अब तो इन आंकड़ों ने भी, इस सर्वेक्षण ने भी मुहर लगा दी है कि बिल्कुल सच में विकास पुरुष है। बिल्कुल, जदयू के और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो मंत्री हैं उनसे आज जो बात की, उनका कहना है कि जो बिहार में विकास की गति है वो सतत है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है, हर सेक्टर में कंटिन्यूअस डेवलप हो रहा है, और यही कारण है कि जो ग्रोथ है बिहार का है नेशनल लेवल से ज्यादा, इसलिए है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस एक लंबे समय से निवेश है और उसके रिजल्ट सब दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर पोस्टर वॉर देखी जा रही है बिहार के अंदर, तो क्या अब एक पोस्टर इसका भी छपेगा कि देखिए हमने वृद्धि कितनी कर दी है आर्थिक में? बिल्कुल, आने वाले दिनों में अगर देखा जाएगा तो जहां जदयू अपनी उपलब्धियों को लगाकर पोस्टर लगाएगी, वही इन उपलब्धियों पर कटाक्ष करते हुए राजद भी पोस्टर लगाएगी, और पोस्टर वार में ये विषय बनेगा, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता जी। यानी कि अगर देखा जाए तो सोने पर सुहागा हो गया जेडीयू के लिए। जी बिल्कुल, ये सोने पर सुहागा जेडीयू के लिए भी हो गया है, और उसकी जो प्रमुख अच्छी तरह बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, उसको भी कटाक्ष करने का कुछ मौकों पर, जमीनी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको लेकर और आंकड़ों को लेकर एक कटाक्ष करने का मौका मिल गया। तो क्या शशांक, आपकी आम जनता से बातचीत हुई है इन आंकड़ों को लेकर, जनता की कोई प्रतिक्रिया रही हो? देखिए, ये आंकड़े काफी ज्यादा, एक तरह से कहा जाए कि आंकड़े हैं, डेटा है, और आंकड़ों से बहुत आम लोगों को मतलब नहीं होता या बहुत समझ नहीं होती है, और जो कुछ समझ होती है उनको जमीन में दिखना चाहिए। तो कुछ लोग अलग अलग मानसिकता के, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बिहार में विकास हुआ है लेकिन जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ, कुछ लोग जो दूसरी सोच रखते हैं अपने अपने हिसाब से लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार में देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधियों के हिसाब से लोग बटे हुए हैं, दोनों की एक मिली जुली राय थी कुछ लोगों की। जी शुक्रिया शशांक, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।